गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशंस। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल रिलेशन में फर्स्ट थ्री रिलेशंस जो एप्लीकेशंस है वो हम कर चुके हैं। अभी चौथे पे आते हैं आज, डेरिवेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ की। मैक्सवेल रिलेशंस को यूज़ करके हम स्टीफन्स लॉ को डिराइव कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि स्टीफन्स लॉ बेसिकली आपके पास क्या है। स्टीफन लॉ एक रिलेशन सेटअप करता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन और टेम्परेचर के बीच में। जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करते हैं उस केस में हम मान के चलते हैं कि एक चैम्बर के अंदर आपकी हीट रेडिएशंस कंटेंड हैं और वो उसी तरह बिहेव करती हैं जैसे कि एक गैस बिहेव करती है। जैसे हम एक गैस का एग्जांपल लेते हैं, गैस के एग्जांपल में हम क्या मानते हैं कि एक आपके पास चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर गैस भरी हुई है। तो गैस क्या करेगी, उस चैम्बर के जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उसके ऊपर प्रेशर बनाएगी, ठीक है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ऐसे ही हीट रेडिएशन भी गैस मॉलिक्यूल्स की तरह हम उसको कंसिडर करके चलते हैं और मान के चलते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो हीट रेडिएशंस हैं, वो भी जो उसको जो चैम्बर उसको कंटेन करके रखता है, उस चैम्बर के वॉल्स के ऊपर वो क्या करता है, प्रेशर बना के रखती है हीट रेडिएशंस, ठीक है। तो अब इस पे जाने से पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि सेकंड जो आपका मैक्सवेल थर्मोडाइनमिकल रिलेशन है वो क्या है। करली एस बाय करली वी इज इक्वल टू करली पी बाय करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब हम क्या करें, जैसे ये फर्स्ट जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम क्या करें, अगर हम इसको क्या कर दें, टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो दोनों साइड्स टी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टी इंटू करली एस बाय करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाय करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से टी इंटू करली एस, दैट मीन्स टी डी एस हमारे पास किसके इक्वल होता है, टी डी एस इक्वल होता है करली क्यू या डेल क्यू के। सेकंड लॉ ऑफ जो थर्मोडाइनमिक्स है वो यही बोलता है ना, एंट्रोपी और चेंज इन हीट के बीच में रिलेशनशिप, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन हीट। तो चेंज इन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मल्टीप्लाई विद चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट होता है, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, करली क्यू बाय करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाय करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब करली क्यू जो चेंज इन हीट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है कि चेंज इन हीट, टोटल चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट मीन्स पी इंटू डी वी। तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू या करली क्यू इज इक्वल टू करली यू प्लस पी करली वी। अब हमने क्या किया यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में करली क्यू को रिप्लेस कर दिया करली यू प्लस करली पी, करली यू प्लस पी इंटू करली वी से, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यहाँ से क्या हो गया, इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाय करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, करली यू बाय करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस, अब करली वी से करली वी कैंसिल आउट हो गया तो क्या बन गया, प्लस पी, ये किसके इक्वल हो गया, टी इंटू करली पी बाय करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से क्या आ गया, करली यू बाय करली वी, डेट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाय करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। पी जो प्रेशर इस साइड था वो दूसरी साइड चला गया, बन गया माइनस पी, ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन सेटअप कर ली, इसको सपोज हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास E क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशंस है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में इस लेक्चर की हमने डिस्कस किया था कि आपका जो हीट रेडिएशंस है उसको हम गैस मॉलिक्यूल्स की तरह मान के चल रहे हैं, तो उस केस में हम मान लेते हैं कि E क्या है, आपकी एनर्जी डेंसिटी, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, एनर्जी डेंसिटी है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जो आपका सिस्टम है, जो हीट रेडिएशंस हैं वो क्या है, टेम्परेचर उसका चैम्बर का कॉन्स्टेंट है और उसको मान लिया हमने टी। तो अब इंटरनल एनर्जी, जो टोटल इंट्रिंसिक एनर्जी होगी सिस्टम की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, अगर एनर्जी डेंसिटी को टोटल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी इंट्रिंसिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, यू किसके इक्वल हो जाएगा, यू इज इक्वल टू ई वी।
एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब एनर्जी यू को हमने ईवी की टर्म्स में लिख लिया, अब करली यू बाय करली वी निकालेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई आपकी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी उस सिस्टम के लिए, तो मल्टीप्लाई विद क्या होगा, करली वी बाय करली वी, वो वन के इक्वल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो करली यू बाय करली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आ गया। अब उसके बाद आती है बात प्रेशर की, अब जो प्रेशर है जो बेसिकली आपकी एनर्जी डेंसिटी हमने ई लिखा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपकी तीन डायरेक्शंस में लग रही है भाई। जैसे हम थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन कोऑर्डिनेट एक्सेसेस लेनी पड़ेंगी। अगर हमें, जैसे कि हम क्लास में भी पहले भी एग्जांपल ले चुके हैं, अगर हमें क्या है, एक पैरेट उड़ रहा है एक रूम के अंदर, उसकी डायरेक्शन को बताना, उसकी पोजिशन को बताना एग्जैक्ट कि वो किस पोजीशन पर है, तो वो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन कोऑर्डिनेट एक्सेसेस माननी पड़ेंगे, एक्स वाई जेड, और एक्स डायरेक्शन में वो कितनी दूरी पे है, वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी पे है, और जेड डायरेक्शन में कितनी दूरी पे है, ये बता के हम एक्स वाई जेड की वैल्यू से उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए ओरिजिन। ऐसे ही यहाँ भी क्या है, आपका जो चैम्बर है वो हम क्या है, स्पेस में है, उसके वो चैम्बर के अंदर किसी मॉलिक्यूल की किसी रेडिएशन की पोजीशन को बताना है, तो वो बताने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट एक्सेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रेशर क्या है, तीन कोऑर्डिनेट एक्सेसेस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर तीन कोऑर्डिनेट एक्सेसेस के अलोंग लग रहा है, तो प्रेशर को क्या कर दिया हमने, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बेसिकली क्या है, जो आपकी एनर्जी डेंसिटी थी टोटल, उसको मीन्स हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एनर्जी डेंसिटी हो गई ई बाई थ्री, तीन में करोगे तो एक एक डायरेक्शन के अलोंग कितनी होगी ई बाई थ्री, तो एक्स के अलोंग भी ई बाई थ्री, वाई के अलोंग भी वाई थ्री, एंड जेड के अलोंग भी ई बाई थ्री। अब प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे एनर्जी किसके इक्वल होती है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉर्नर में देखो जो राइट कॉर्नर है उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो अब प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, एनर्जी बाय डिस्टेंस। तो क्या हो गया प्रेशर, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस क्या हो गया, वॉल्यूम। तो बेसिकली प्रेशर किसके इक्वल आ गया, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हमने क्या बोल दिया, प्रेशर। अब जो ये राइट कॉर्नर में जो ई लिख रखा है ना, और जो यहाँ पे ई है इक्वेशन टू में, दोनों डिफरेंट है, वो ई क्या है, वैसे ही एनर्जी के लिए आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। यहाँ पे ई का मतलब मैंने क्या लिया है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल हो गया, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपके पास जो प्रेशर है वो एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आ गया। तो एनर्जी डेंसिटी तीन कोऑर्डिनेट्स के अलोंग डिवाइडेड है, तो प्रेशर किसके इक्वल हो गया, ई बाई थ्री के इक्वल हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर दो और तीन को हम इक्वेशन नंबर वन में यूज करें तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे इक्वेशन वन में कर ली यू बाय कर ली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वो उसकी वैल्यू कितनी आई थी ई इक्वेशन टू से, तो उसकी जगह हमने ई पुट कर दिया। अब टी इंटू कर ली पी बाय कर ली टी को एज इट इज रखा, और जो आपका प्रेशर था उसकी जगह पुट कर दिया ई बाय थ्री, तो ये बन गई ई इज इक्वल टू टी कर ली पी बाय कर ली टी माइनस ई बाय थ्री। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, तो ये इक्वेशन हमने दोबारा लिख ली, ई इज इक्वल टू टी कर ली पी बाय कर ली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस ई बाय थ्री। अब क्या किया हमने, जो आपका करली बाय करली टी था, उस करली बाय करली टी को लिख लिया हमने करली बाय करली ई इंटू करली ई बाय करली टी। अब इसमें करली से करली कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वेशन पे तो कोई भी फर्क हमारी पे नहीं पड़ रहा। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये बन गई ई इक्वल टू टी करली पी बाय करली ई करली ई बाय करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस ई बाय थ्री। अब यहाँ पे आपके पास P की वैल्यू कितनी है, E बाई थ्री, तो आपने करली बाय करली E इंटू ई बाई थ्री इंटू करली बाय करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस E बाई थ्री आपकी बन गई, तो करली E बाय करली E आपका वन बन गया, तो ये बच गया वन बाय थ्री, तो ये बन गया T E इज इक्वल टू T इंटू वन बाय थ्री करली E बाय करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस E बाय थ्री।
अब इस e बाई थ्री को हम दूसरी साइड ले गए तो क्या बन गया, e प्लस ई बाई थ्री इज इक्वल टू टी बाई थ्री, कर ली e बाई कर ली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब क्या हो गया, e प्लस ई बाई थ्री कितना बन गया, फोर ई बाई थ्री इज इक्वल टू टी बाई थ्री, कर ली ई बाई कर ली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास रिलेशन बच गया फोर ई इज इक्वल टू टी इंटू कर ली ई बाई कर ली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं, ई की टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं और टेम्परेचर की टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं। तो ये बन गया कर ली ई बाई कर ई इज इक्वल टू फोर इंटू कर ली टी बाई टी। अब इसको हम इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्योंकि dx डिवाइडेड बाय x, अगर आपके पास सपोज एक वेरिएबल x है तो dx डिवाइडेड बाय x का आप इंटीग्रेशन करो या 1 बाय x का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वो क्या बनती है, उसकी वैल्यू log x के इक्वल। तो यहाँ पे कर ली e बाय e है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, log ही बन जाएगा। दूसरी साइड आपके पास कर ली t बाय कर ली t था, वो क्या बन जाएगा, log t प्लस कॉन्स्टेंट। अब 4 इंटू log t है तो क्या हो जाएगा, अगर लोग के सामने कोई नंबर है तो वो कहाँ चला जाता है, लोग के अंदर पावर में जाके ऐड हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, लोग ही इज इक्वल टू लोग टी की पावर 4 प्लस सी। अब हमने क्या कर दिया, लोग ही किसके इक्वल आ गया, लोग ही माइनस लोग टी की पावर 4 इज इक्वल टू सी। तो अब ये क्या हो गया, लोग ए माइनस लोग बी किसके इक्वल होता है, लोग ए बाई बी के, तो ये बन जाएगा लोग ई बाई टी की पावर 4 इज इक्वल टू सी। अगर इसका एंटी लोग ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई बाई टी की पावर 4, लोग एंटी लोग से लोग कैंसिल आउट और दूसरी साइड क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल सी ई की पावर सी। अब ई सी ए कॉन्स्टेंट था तो ई की पावर सी भी ए कॉन्स्टेंट ही होगा, तो अब हम क्या कर देते हैं, इस ई की पावर सी को लिख देते हैं सिग्मा, तो ये बन जाएगा ई बाई टी की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा और यहाँ से आ जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा टी 4। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, जो एक रिलेशन हमने सेटअप कर लिया एनर्जी डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में। तो ये क्या हो गया आपके पास, बेसिकली एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, या फिर हम बोले एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर।